डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। जय श्री गणेशाय नमः। आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल, जिसे डेली हॉरोस्कोप कहते हैं, और वो भी दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में बात करेंगे 6 सितंबर 2019 यानी कि दिन शुक्रवार की राशिफल के बारे में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पंचांग पर। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात को 8:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 11:54 से 12:44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। राहु काल की बात करें तो आज प्रातः 10:45 से 12:19 तक राहु काल चलेगा। दिशा शूल की बात करें तो वो आज पश्चिम दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा कर रहे थे तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर नहीं करना है। यह तो हमने जाना कि आज पंचांग क्या है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। और रोज रोचक जानकारियां क्या क्या हैं वो भी आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। वो हैं सबसे पहले तो हमारे 2 लकी व्यूअर के सवाल, उसके बाद है आज का दिन यानी 6 सितंबर का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास है, ये हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे कि क्यों आज के दिन को याद किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके आधार पर अपने दिन की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ये सारी जानकारियां अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो तक को जो है अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें। चलिए अब जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति आज क्या है। आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे और इस राशि में रहते हुए चंद्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जिसकी पराशर ज्योतिष में अपनी 2 राशियां होती हैं। वो 2 राशियां हैं मिथुन और कन्या राशि, यानी आज 3 राशि पूरे दिन में एक्टिव रहेगी और ये राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में आएगी वो भाव आपका सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसी के आधार पर परिणाम मिलेंगे। जानते हैं कि मेष राशि के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो पहली जानकारी आज के दिन के बारे में है वो ये है कि 6 सितंबर 1522 को समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। तो ये जानकारी आपके लिए, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साथ ही हमें कुछ जानकारियां जो अपने इतिहास के बारे में होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। मेष के बारे में बात कर रहे हैं हम, मेष राशि एरीज के बारे में। 3रा, 6ठा और 8वां भाव आज एक्टिव रहेगा। सेहत की बात करें तो सेहत की बेहतरी के लिए आज आपको योग ध्यान इत्यादि करना चाहिए। आज जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो आज आप परिजनों के लिए कुछ घरेलू सामान और आभूषण जो है ज्वेलरी आदि खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन आज खुशियां देगा और परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। लव लाइफ की बात करें, प्रेम जीवन की, तो आज आपको मन माफिक फल मिल सकते हैं। आज आपका प्रेमी आपको अपनी अंदर छुपी जो प्रतिभा है उसको दिखाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में आज आप जो है अपने काम के दम पर सफलता के झंडे गाड़ेंगे। आज आप अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रियतम का नाम याद आते ही आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, जो आपके मन के साथ साथ दिल में भी प्रसन्नता देगी। छात्रों को आज सिर्फ पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उन विषयों पर गहन अध्ययन भी करने की जरूरत है जिनमें आपको लगता है कि आप कमजोर हैं। बात करते हैं अब बच्चों की, तो बच्चे आज इस जो राशि के गृहिणियां हैं उनको आज उनके बच्चे घर के कामकाज में हाथ बटाएंगे। पति आपकी काफी जो है बातों से खुश होगा, खुश रहेगा घर का सारा माहौल। उपाय की बात करें तो इमली के पेड़ को जल से सींचे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपके लिए 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के। 2रा, 5वां और 7वां भाव आज सक्रिय रहने वाला है। इसकी वजह से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर आज गंभीर होने की जरूरत है और ज्यादा तला भुना खाने से आज बचना चाहिए। किसी मित्र को पैसे उधार देने की वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ में आज किसी बात को लेकर कहा सुनी की स्थिति बन सकती है। लव लाइफ में आज दिन अच्छा रहेगा। आज आपको अपने प्रियतम की कोई बात इस कदर अच्छी लग सकती है जिससे आपको उन पर बहुत ज्यादा प्यार आएगा और आप उन्हें अपने मन की सबसे सुंदर भावना बता पाने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज आपको उसमें सफल परिणाम मिलेंगे। बॉस और आपके सीनियर आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। कारोबार से जो लोग संबंध रखते हैं जो जातक, उनके लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहने के संकेत दे रहा है। बिजनेस में तरक्की होगी। लघु उद्योग से संबंध रखने वाले जातकों को आज के दिन अधिक मुनाफा हो सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो आज आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका ध्यान रखेगा। छात्रों के लिए आज दिन उत्तमता लिए हुए है। आज आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाएंगे और कई विषयों को समझने में आप कामयाब होंगे। आज आपके करीबी मित्र भी पढ़ाई में आपकी जो है सहायता कर सकते हैं।
शादीशुदा महिलाओं को, मैरिड लोगों को, आज मैरिड औरतें जो हैं, आज आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ सकता है। इससे आपको शारीरिक थकान होगी। सामाजिक स्तर पर आज आप किसी समारोह का हिस्सा भी बन सकते हैं। उपाय की बात करें तो केसर लगी पीली मिठाई केसरी हलवा खुद भी खाएं और गरीबों में भी बांट दें, काफी अच्छा रहेगा आज का दिन ऐसा करने से। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। पहला, चौथा और छठा भाव आज आपका एक्टिव रहने वाला है। इसकी वजह से हेल्थ की बात करें तो माइग्रेन के जो मरीज हैं, आज अच्छा महसूस होगा आपको। कुछ समय के लिए आप बीमारी से जो है राहत पा सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों के आर्थिक जो है हालात आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही है कि सट्टा आदि में पैसा ना लगाएं। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि भी आपको आज मिल जाएंगे वापस। पारिवारिक जीवन पर रोशनी डालें तो आज अपने परिवार के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपको कई अहम फैसले लेने में मजबूती मिलेगी। आज आपके प्रेम जीवन में उड़ने का दिन है। कारोबारी वर्ग के लोग आज समाज में अपनी अलग पहचान बना पाने में सक्षम होंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनसे जुड़े लोगों को जो है आज वक्त के हिसाब से बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके काम करने का तरीका पुराने टाइप का है तो आज खुद को अपडेट करने की कोशिश करें, नहीं तो आप कई लोगों से पिछड़ सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी या फिर लव पार्टनर के ऊपर भी बहुत अधिक प्यार आएगा। स्टूडेंट्स जो हैं, आज उनका ज्यादातर टाइम जो है दोस्तों के साथ बातचीत करने में जाएगा। पढ़ाई में बरती जाने वाली कोताही आज आपको काफी भारी पड़ सकती है। गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी कोई मनपसंद जो है इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। उपाय की बात करें तो लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान में आज देना है आपको, काफी लाभ मिलेगा इससे। शुभ अंक है आपके लिए 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 12वां, 3रा और 5वां भाव आज आपका एक्टिव रहेगा। आज आपका मन अध्यात्म और धर्म की ओर लगेगा, जिससे आपको जो है अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। इससे आपकी सेहत को बल मिलेगा और आप सारा दिन तरोताजा महसूस करते रहेंगे। आर्थिक लाभ पूरे होने के जो है होने के चांस है, पूरे चांस है। आपके सितारे आज आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे जो कि आपको धन लाभ हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में आज आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। आपका दृष्टिकोण जो है आज परिवार के लोगों के प्रति आज बदल सकता है। आज अपने प्रेमी में अपना सच्चा दोस्त आपको नजर आएगा और इसीलिए आज आप दिल खोलकर उनसे बातें करेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को आज अपने ऑफिस या विभाग से अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वहीं जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनकी आज तलाश भी पूरी हो सकती है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए दिन शुभ हो सकता है। अपने कारोबार के प्रति आपकी मेहनत और विचार सफल होंगे। आपका जीवन साथी आपके प्रति आकर्षित होगा और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना होगा, लिहाजा इससे जो आपकी मानसिक शांति का हनन होगा। घर में आने वाला कोई मेहमान आज आपके खाने की तारीफ करेगा, जिससे इस राशि की गृहिणियों का दिन बन जाएगा। सामाजिक तौर पर आज आपको विशेष अधिकार मिल सकते हैं, इससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। उपाय की बात करें तो केले के पेड़ की आज पूजा करनी है आपको, काफी जो है फायदा पहुंचेगा इससे। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब कर लेते हैं काम की बात। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया समलैंगिकता का अब जो है वो अपराध नहीं रहा। पहले लोग जो है समलैंगिक लोग जो है बहुत ज्यादा उन्हें लोगों की बहुत ताने मिलते थे, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन ही 6 सितंबर के दिन इसको लीगल कर दिया। तो ये एक जानकारी थी जो 6 सितंबर से जुड़ी हुई थी, जो आपके साथ शेयर की है हमने। आगे बढ़ते हैं, फिर से राशिफल पे आ जाते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। 11वां, 2रा और 4था भाव आज आपका सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से हेल्थ की बात करें तो अपने शरीर की थकान को मिटाने और अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको काफी आराम की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपने बहुत अधिक काम किया है जिसकी वजह से आपका शरीर थका हुआ है। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर को आराम जरूर दें, क्योंकि शरीर भी एक ऐसी मशीन है जिससे आराम की आवश्यकता होती है। घर के आर्थिक हालात बिगड़ने के कारण आज आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है, इसीलिए आपको सोच समझकर चलने की सलाह देना चाहूंगी। अगर कोई बड़ा आपको सलाह दे तो आज उसे सुन लें, क्या पता आपको कुछ फायदा ही हो जाए। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज कोशिश करें कि घर के काम में अपना किसी भी तरह से योगदान दें।
अगर घर में छत या बालकनी है तो उसमें पंछियों के लिए दाना और पानी रखें, ये आपको सकारात्मक ऊर्जा तो देगा ही, साथ ही आप ऐसा करके एक पुण्य भी कमा लेंगे। जो जातक प्रेम में पड़े हैं उन्हें आज अपने प्रेमी को लेकर विनम्र रहने की जरूरत है। इस राशि के कारोबारी आज के दिन अपने धन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जो लोग जुड़े हुए हैं आज कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका मन आज अपने प्रेमी से ज्यादा किसी और में लग सकता है। हालांकि दिन ढलने के साथ आपको एहसास हो जाएगा कि आपका संगी कई लोगों से बेहतर है। अचानक ही मित्रों से आज दूर की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी भी बरतने की जरूरत होगी। छात्रों के लिए आज का दिन सार्थक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ही प्रयास करने होंगे। इस राशि की गृहिणियों को आज महसूस हो सकता है कि उनका जीवन साथी आज से ज्यादा बेहतरीन कभी नहीं था। बात कर लेते हैं उपाय की। आज सफेद वस्त्र आपको पहनने हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। 10वां, पहला और तीसरा जो भाव है आज आपका एक्टिव रहेगा। इसकी वजह से हेल्थ की बात करें तो आज आप खुद को सुकून की स्थिति में पाएंगे और जिंदगी का लुत्फ पूरी तरह से उठा पाएंगे। आर्थिक मुनाफे के लिए आज आपको बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपका भविष्य काफी सुखमय बीतेगा। रियल स्टेट में किया जाने वाला निवेश जो है आज आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। प्रेम का असली अर्थ जो है इस राशि के कुछ जातकों को आज समझ में आ सकता है। जो लोग पहले से ही प्रेम में पड़े हुए हैं उन्हें आज अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर के सामने व्यक्त करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किए गए आपके प्रयासों को आज सराहा जाएगा और किसी सहकर्मी या उच्च अधिकारी का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ मस्ती के मूड में होंगे और थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे या फिर छेड़खानी। छात्रों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज किसी सीनियर या किसी अध्यापक से मिलना चाहिए। समय को बर्बाद करने से बचने की आज मैं आपको सलाह देना चाहूंगी। इसको गांठ बांधने की समय बर्बाद करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गृहिणियों को आज के दिन काम अधिक रह सकता है, लेकिन इस बीच अपने धैर्य को बिल्कुल भी ना खोएं। उपाय की बात कर लें, क्या उपाय करने हैं परेशानियों को दूर करने के लिए। आज किसी गौशाला में हरा चारा दान दे दें, आपको जो है काफी लाभ मिलेगा इससे। शुभ अंक है आपके लिए 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। 9वां, 12वां और दूसरा भाव आज एक्टिव रहने वाला है, इसी के आधार पर आपको परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की असहजता महसूस होने पर अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आर्थिक जीवन के लिए दिन अनुकूल नहीं है, इसीलिए इस ओर सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो है आपके मन की शांति को भंग करेगी। अगर आपका संबंध जो है व्यापार से है, बिजनेस से है, तो आज आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। फैमिली लाइफ सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत घर में खुशी के माहौल को खराब कर सकती है। अतिरिक्त खर्चे होंगे जिससे आर्थिक जीवन असंतुलित हो सकता है। इस राशि के कुछ जातकों की जो है आज अपने ड्रीम पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। जो लोग पहले से ही प्रेम में हैं आज अच्छा वक्त बिता सकते हैं। वर्क लाइफ की बात करें तो आज ऑफिस में किसी वजह से सीनियर के साथ आपका जो है मतभेद हो सकता है। कारोबारियों के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आप खुद की किसी बड़ी लापरवाही के चलते ऑफिस या कार्य क्षेत्र पर अपने सहकर्मियों की आलोचनाओं के शिकार बन सकते हैं। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिलने की पूरी संभावना है। आज आप अपने ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि करेंगे और अपने बौद्धिक शक्ति से दूसरों को प्रभावित करेंगे। हाउसवाइफ की बात कर लें तो आज जो है गृहिणियां आज अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उनका पसंदीदा पकवान बना सकती हैं। आज आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र या पुराने प्यार से भी हो सकती है। उपाय की बात करें तो तुलसी पत्र का सेवन जरूर करें, आज आपको काफी लाभ मिलेगा इससे। शुभ अंक है आपके लिए 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। 8वां, 11वां और पहला भाव आज आपका सक्रिय है, इसकी वजह से हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन शानदार रहेगा, क्योंकि आज ऊर्जा से आप लबरेज रहेंगे और स्वास्थ्य लाभ का आनंद उठाएंगे। आज का दिन धन का जो निवेश करने के लिए अच्छा है, यह निवेश जो है आपकी आर्थिक स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने में मददगार साबित होगा। आर्थिक रूप से आज आपको कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है जो आपके लिए आने वाले समय में लाभदायक साबित हो। पैसों के मामले में किसी दूसरे पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप खुद ही उन मामलों को सुलझा लें। आज के दिन पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। आज घर के छोटे सदस्यों को आप अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपनी वाणी पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो आपकी बातों से आपका प्रेमी आहत हो सकता है।
कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं, इस राशि के ज्यादातर जातक आज घर में आराम करेंगे, लेकिन जो लोग आज ऑफिस जाएंगे वे अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आज आप दोनों के बीच होने वाले छोटे छोटे टकराव का भी आप आनंद लेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को आज के दिन वीजा जो है उसका क्लियर हो जाएगा, इसकी खबर मिलेगी। दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। गृहिणियां आज घर के कुछ महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में समय बिता सकती हैं। जीवन साथी के प्रति आपके लगाव में भी आज जरूर वृद्धि नजर आएगी। उपाय की बात करें तो आज के दिन गाय को रोटी खिलाएं, इससे काफी अधिक आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बढ़ते आगे, बात करेंगे धनु राशि की। आज आपका 7वां, 10वां और 12वां भाव एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और उसी के आधार पर आपको परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए आज से दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आप सट्टेबाजी, शेयर, लॉटरी आदि के द्वारा जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आपके आर्थिक हालात जो है सुधर जाएंगे। अगर आप कोई पार्टी देने की सोच रहे थे तो आज अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाएं और दिल खोलकर पार्टी करें। आज आपका पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनकी जिंदगी में आज थोड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि किसी तीसरे शख्स की वजह से आज आपके और आपके प्रेमी के बीच में दूरी आ जाए और आने वाले वक्त में आप उनसे इतना दूर हो जाएं कि रिश्ता दोबारा न जुड़ पाए। जो लोग अभी तक प्रेम की तलाश में लगे हैं उन्हें अपने जोड़ीदार से मिलने का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आज आपके द्वारा बनाए गए नए संपर्क आपको कार्य क्षेत्र में भी खासा लाभ पहुंचा सकते हैं। किसी नए काम या रोजगार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन जो है आपके लिए शुभ साबित होगा। कारोबारी आज अपने नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। आज संभावना है कि किसी व्यक्ति के चलते आज जो है आपकी छवि समाज में दूषित हो, इसीलिए जितना हो सके खुद को किसी भी विवाद में पड़ने ना दें, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शादीशुदा जोड़ों को आज जो है वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए खास प्रयास करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को मेरे राय है, सजेशन है कि खुद को संजने संवारने से ज्यादा आज जो है पढ़ाई पर ध्यान दें। अपने रंग रूप की चिंता ना करें, अभी पढ़ने का वक्त है तो सिर्फ पढ़ें, बाकी कामों के लिए परीक्षाओं के बाद आपको बहुत सारा समय मिलेगा। वो हाउसवाइफ्स, गृहिणियां जो जिनके पति किसी और शहर में रहते हैं, उनके लिए आज खुशी का दिन है। पति की घर वापसी हो सकती है, उनके द्वारा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। उपाय की बात करते हैं, नेत्रविहीन व्यक्तियों की सेवा करें, आपको काफी लाभ मिलेगा आज के दिन। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि की। 6वां, 9वां और 11वां भाव आज आपके लिए एक्टिव है। परिवार में ऊर्जा भरने के लिए आपका स्वस्थ होना अति आवश्यक है, इसीलिए अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए प्रयास करते रहें और काम के बीच में व्यायाम के लिए भी वक्त निकालें। आर्थिक रूप से देखें तो आज का आपका जो दिन है काफी अच्छा बीत सकता है। खासतौर से रियल स्टेट या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आने वाले दिनों में भी आपको मुनाफा कमाने के मौके मिल सकते हैं। यदि आप किसी पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो ठंडे दिमाग से जो है उस समस्या का समाधान निकालें। जो लोग प्रेम संबंध में पड़े हैं उन्हें आज अपने संगी को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्यार की डोर बहुत नाजुक होती है, इसीलिए आपको संभल कर चलने की जरूरत है। कारोबारियों के लिए आज का दिन जो है संपूर्णता लिए हुए है। आज कारोबार में आपको मुनाफा हो सकता है और अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए जो है आप कोई आज फैसला भी ले सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपने सकारात्मक व्यवहार से अपने सहकर्मियों का दिल जीत सकते हैं। खाली वक्त में आज घर के छोटे सदस्यों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं, उनके साथ दिन अच्छा बीतेगा। छोटे छोटे मामलों को लेकर आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। स्टूडेंट्स को मैं सलाह देना चाहूंगी कि किसी भी ऐसे शख्स से दोस्ती ना करें जो आपको पढ़ाई से विमुख करने की आज कोशिश करता है। गृहिणियों को बिना बोले आज अपने जीवन साथी को समझने की जरूरत है। उपाय की बात करें तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है, जो है इससे आपकी लाइफ अच्छी चलने लगेगी। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। 5वां, 8वां और 10वां भाव आज एक्टिव रहने वाला है आपका। इसकी वजह से सेहत जो है अच्छी होने रहेगी, असाधारण काम करने की भी आपको क्षमता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए मूड भी सही रहेगा आपका। हर काम को आप दोगुनी तेजी से करेंगे। अगर आपके पास अचानक कोई पैसा आया है या आपके पास अतिरिक्त धन रखा हुआ है तो फिजूल खर्ची ना करते हुए उसे आज आप रियल स्टेट में निवेश के तौर पर लगा सकते हैं। फैमिली लाइफ में किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो आज का दिन काफी रोमांटिक हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम के दम पर सफलता के झंडे गाड़ेंगे।
जो लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें आज अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। आज आपका पार्टनर आपके दिन की थकान को मिटाने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें कर सकता है। छात्रों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज किसी सीनियर किसी अध्यापक से मिलना चाहिए। समय को बर्बाद करने से बचने की मैं आपको सलाह दूंगी। परीक्षाएं आने वाली हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। गृहिणियों को आज के दिन उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, रूमर्स पर, जो उनके जीवन साथी को लेकर फैलाई गई हैं। बात जो भी हो पहले उसकी सच्चाई को जान लें, नहीं तो खामखा रिश्ते खराब हो सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। आज लहसुन या प्याज की गांठ को जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, काफी लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे सबसे आखिर में मीन राशि की। चौथा, सातवां और नौवां भाव आज आपका एक्टिव रहने वाला है। आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से यदि आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो। आर्थिक स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन धन का व्यय करने से पहले एक बार अनुभवी लोगों की राय जरूर ले लें। किसी को उधार दिए पैसे भी आज आपको वापस मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए आज दिन बेहतर है, घर में खुशी का वातावरण देखने को मिल सकता है। परिजनों का प्यार आपके जीवन में खुशियां लाएगा। प्रेम जीवन में भी आपको आज अच्छे अनुभव हो सकते हैं। आज के दिन आप अपने प्रिय की भावनाओं को समझें। राशिफल के अनुसार आज कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आज आपके रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं, आपकी जी तोड़ मेहनत से काम सफल होंगे। नौकरी पेशे के लिहाज से की गई यात्रा सकारात्मक फल देगी। अगर आप आज के दिन किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो इंटरव्यू के दौरान दिमाग ठंडा रखने और खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत है। आज संतान पक्ष या ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, जो आपको तनाव देने के साथ साथ आपके दिन को खराब कर सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन काफी खुशनुमा रहेगा। आज आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों का पूरा आनंद उठाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। आज आपको पूर्व में की गई मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप आगे भी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। घर की चिंताओं से दूर गृहिणियां आज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जा सकती हैं। उपाय की बात करें तो खीर का सेवन करें, आज के दिन आपको काफी लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अब तक तो हमने जाना कि 6 सितंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। अब वक्त आ गया है जब हम मिलेंगे अपने 2 लकी व्यूअर के सवाल। जो हमारे पहले लकी व्यूअर है उनका नाम है सुरेंद्र जी। उन्होंने कहा था लव टिप बताइए, बहुत सारे लोग लव से रिलेटेड जो है चीजें जानना चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी, पंचम और लगन भाव को प्रबल बनाएं, क्योंकि ये दोनों भाव जो है प्रेम सुख को बढ़ाते हैं। इसके लिए आपकी कुंडली में जो पंचम भाव है उसके जो स्वामी है उनके बीज मंत्रों का आपको जाप करना है, इससे आपकी जो प्रेम जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। हमारे जो दूसरे लकी व्यूअर हैं उनका नाम है मधु सारस्वत जी। उन्होंने बोला था कि बहुत दिन से परेशान है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल वगैरह उन्होंने दी हुई है। इनकी जो समस्या है कि एक प्राइवेट टीचर हैं, इनकी जॉब उसमें हुई है और इनको बार बार जो है गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोग्रेस नहीं है, फ्यूचर कैसा होगा, इनका ये सवाल है। तो आपका हमने आपकी जो है मधु जी आपकी कुंडली बनाई थी, आपकी कुंडली में दशम और षष्टम भाव जो है कमजोर है, जिसकी वजह से आपको आपके करियर में दिक्कत आ रही है। सरकारी जॉब के लिए नवंबर के बाद अच्छा वक्त है, उपाय करते रहें और मेहनत भी करें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन 7 पत्ते पीपल के तोड़ के माला बना लें और उन 7 पत्तों पर सिया राम लिखकर जो है बजरंग बली को अर्पित करें। ऐसा 40 शनिवार आपको करना है, काम बन जाएंगे आपके। बाकी जो है मेहनत करते रहें, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी मेहनत भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमने अपने 2 लकी व्यूअर के सवाल लिए, साथ ही हमने आपको इस वीडियो में राशिफल की जानकारी दी जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित थी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे आपसे कल यानी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।